आईपीएल 2024 का कारवां चंडीगढ़ से उठकर कोलकाता के ईडन गार्डन पर आ पहुंचा है, जहां पर हमें एक हाई वोल्टेज इनकाउंटर देखने को मिलने वाला है। वो मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो भैया ये मुकाबला कोलकाता के लिए भी उतना अहम है जितना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। ये दोनों टीमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल में टॉप फोर में हैं और प्लेऑफ की अपने उम्मीदों को सुदृढ़, मजबूत और सशक्त करने के लिए ये लड़ाई लड़ने वाली। और अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही सोचने, यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि भैया किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी है, किसकी क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है और दोनों टीमों का टीम न्यूज क्या है, यानी कि प्लेइंग 11 क्या होगी। उसके अलावा पिच रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे और फिर आपको बताने के प्रयास करेंगे कि किसके जीतने का कितना प्रतिशत चांस है। लेकिन इस वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से आज के मुकाबले की विजेता कौन है, वो केकेआर होगी या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स बाजी मारेगी। तो आइए सबसे पहले हेड टू हेड आंकड़े की बात कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों टीमें जब भी आपस में टकराई हैं तो किसकी बाजी बीस रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आंकड़ा साफ है, लखनऊ सुपर जायंट्स 3 के 3 मुकाबले जीती हुई है, ये 3 बार आमने सामने आए हैं और कोलकाता के आगे 0 लगा हुआ है, यानी कि नील बटा सन्नाटा रहा है। ये लखनऊ सुपर जायंट्स का अपने आप में मनोवैज्ञानिक तौर पे बहुत बड़ी बढ़त है, लेकिन ये कोलकाता नाइट राइडर्स अलग है। जो पिछले 2 संस्करण की कोलकाता थी उससे बिल्कुल ही विपरीत ये कोलकाता है। इसके पास गौतम गंभीर हैं, इसके पास जो अब टीम बनी है वो मजबूत, सशक्त, सुदृढ़, उससे भी बड़ी बात और खास बात कि ये कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं। अभी तक आईपीएल 2024 में ये मात्र एक मुकाबला हारे, तो चीजें अलग होंगी लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पे बढ़त तो भैया लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि केकेआर के खिलाफ कैसे जीत अर्जित करना है और वो 3 बार कारनामा कर चुके हैं। अब आ जाते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर चर्चा कर लेते हैं, उनकी मजबूती और उनकी कमजोरी को समझ लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे है कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 12। इनके टीम में 2 बड़े बदलाव होने वाले, नीतीश राणा प्लेइंग 11 में आने वाले हैं, पिछले 3 या 4 मुकाबलों से चोट के कारण ये नहीं खेले थे। वहीं अगर बात करें दूसरे बदलाव की तो हर्षित राणा भी इनके प्लेइंग 11 में आएंगे। काफी बेहतरीन हर्षित राणा का ये संस्करण गुजरा है और ये वैभव अरोड़ा के जगह प्लेइंग 11 में आएंगे। वहीं बात करें नीतीश राणा की तो रमनदीप सिंह के जगह आएंगे और कोई भी बदलाव नहीं होगा। इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में जरूर एक वो टैक्टिकल मूव चलेंगे, वो अभी फिक्स नहीं रहने वाला। अगर बल्लेबाज की जरूरत पड़ गई तो अनुकूल राय जो कि कुछ स्पिन ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, और बल्लेबाज की नहीं जरूरत पड़ी तो सुयश शर्मा बतौर एक प्रमुख स्पिनर गेंदबाज ये ऐड कर लेंगे इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में, तो यही टैक्टिकल मूव होगा। बाकी प्लेइंग 12 आप देख सकते हैं, फिलसाल सुनील नरेन, अंकृष रघुवंशी, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा। अगर हम इनकी मजबूती की बात करें तो भैया इनकी जो मजबूती है वो इनकी बल्लेबाजी है, खासकर इनके जो भैया फिनिशर हैं और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो काफी मजबूत। वहां पर सुनील नरेन का बल्ला बोल रहा है, फिलसाल्ट भी अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। उसके अलावा नंबर 3 पर अंकित रघुवंशी ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। वहीं फिनिशर में इनके पास रसेल हैं, रिंकू हैं, इवन स्टार्क बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब वेंकटेश अय्यर की भी बल्लेबाजी थोड़ी नीचे आने वाली है तो उनका भी बल्ला बोला है, लेकिन बल्लेबाजी में जो इनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न है वो है नीतीश राणा, क्योंकि बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, कैसा बल्ला बोलेगा नहीं बोलेगा वो कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। और इनके कप्तान श्रेयस अय्यर बहुत ही साधारण बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं, संघर्ष करते हुए दिखे हैं, स्ट्राइक रेट का इशू रहा है और उनके बल्ले से रन अभी तक नहीं बने हुए। वहीं अगर हम इनके दूसरे मजबूती पक्ष की बात करें तो उनकी स्पिन गेंदबाजी, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा के रूप में जो कि मजबूत है। वहीं तेज गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क का फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा, लेकिन हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है। तो डेथ ओवर्स इनके लिए समस्या का विषय होने वाला है क्योंकि स्टार्क का फॉर्म नहीं है, लेकिन वहीं पर सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा के रूप में 12 ओवर बहुत बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी मिल जाएगी इनके पास। टॉप ऑर्डर इनका फॉर्म में है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट इनका फॉर्म में है, लेकिन मिडिल ओवर में बात करें मिडिल ऑर्डर की तो जो नीतीश राणा हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर हैं, इनका फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न है इनकंसिस्टेंसी इनके साथ। तो आइए अब देख लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की क्या है प्लेइंग 12, उनकी क्या है मजबूती, क्या है कमजोरी।
तो लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 12 में भी दो बड़े बदलाव होने वाले हैं। देवदत्त पड्डीकल का पत्ता कटेगा। वहीं बात करें तो नवीन उलहक को बाहर करके भैया जो मयंक यादव की कमी खल रही है उसको भी पूरा किया जाएगा। उसको देख लेते हैं कैसे। अगर बात करें देवदत्त पड्डीकल का तो अभी तक दहाई का आंकड़ा ये इस आईपीएल के संस्करण में नहीं पार कर पाए हैं, तो उनके जगह प्रेरक मानकट नंबर 3 पर खेल सकते हैं। क्विंटन डीकॉक, केएल राहुल ओपन करेंगे 3 पर प्रेरक मानकट, 4 पे मार्कस स्टोइनिस, 5 पे निकोलस पूरन, 6 पे आयुष बदोनी, 7 पे कृणाल पांडे, 8 पे अरशद खान, 9वें पे रवि बिश्नोई, 10वें पे शमार जोसेफ। इनका भैया डेब्यू हो सकता है, पदार्पण कराया जा सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा। और समार जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया पिचों पर बहुत छाप छोड़ा है, अपने गति से परेशान किया है, ये भी मयंक की तरह 150 प्लस की गति जनरेट करते हैं। यश ठाकुर 11वें नंबर पे, एम सिद्धार्थ 12वें नंबर पे। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की मजबूती की बात करें तो वह है बल्लेबाजी विभाग में निकोलस पूरन। उसके अलावा इनके पास कोई भी मजबूती नहीं है, ना ही पूरन है, ना ही राहुल है, ना ही डीकॉक है, ना ही स्टोइनिस है, क्योंकि जितने खिलाड़ी हैं इनका स्ट्राइक रेट का इशू है। चाहे स्टोइनिस की बात कर लें, उनका बल्ला इनकंसिस्टेंटली बोला है, जब बोला है तो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा। उसके अलावा राहुल भी स्ट्राइक रेट से संघर्ष करते दिख रहे हैं, डीकॉक भी जब लंबी पारी खेले स्ट्राइक रेट का इशू रहा है। हाँ, जितने मुकाबले में एडवांटेज में रही है एलएसजी उन्हीं मुकाबलों में रही है जहां पर निकोलस पूरन का बल्ला ताबड़तोड़ अंदाज में बोला है। तो ये निकोलस पूरन के ऊपर निर्भर करेगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स बल्लेबाजी विभाग में केकेआर के ऊपर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। वहीं अगर बात करें गेंदबाजी विभाग की तो यहां पर किस तरीके से प्रदर्शन आ जाता है ये सोच से परे, लेकिन अनुभव की कमी है तेज गेंदबाजी में। चाहे हम यश ठाकुर को ले लें, चाहे वहां पर समार जोसेफ खेलेंगे, समार जोसेफ को ले लें, नवीन उलहक खेलेंगे, नवीन उलहक को ले लें, उसके अलावा अरशद खान, ये जितने भी गेंदबाज हैं ये बहुत नामचीन खिलाड़ी नहीं है। उसमें से तो कितने अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, अरशद भी अनकैप्ड, यश ठाकुर भी अनकैप्ड, ये समार जोसेफ खेले तो ये कैप्ड खिलाड़ी होंगे लेकिन अनुभव बहुत नहीं है। तो इनकी तेज गेंदबाजी कभी भी मात दे सकती है इनको, कभी भी हैरान परेशान कर सकती है। हाँ, इनका जो मजबूत पक्ष है वो है स्पिन डिपार्टमेंट। रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या के जो 8 ओवरों की गेंदबाजी रहेगी वो जरूर इनके लिए एडवांटेज का काम करने वाली है। वहीं अगर हम बात करें ईडन गार्डन पिच की, पिच रिपोर्ट की, तो भैया पिच रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि यहां पर अब खूब सारे रन बनते हैं, आप आसानी से चौके और छक्के मार सकते हैं और यहां पर आप स्कोर इन द रेंज ऑफ 190 से लेकर 200 के बीच में देख सकते हैं। हाँ, स्पिनरों के लिए जरूर थोड़ी बहुत मदद रहती है जहां पर सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस शर्मा मदद उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मदद नहीं होगी। तो ये पिच रिपोर्ट है, यहां पर कुछ मुकाबलों की स्कोर कार्ड देखेंगे तो 208, 176 इसी तरीके का ट्रेंड चलता है। आप मान के चलिएगा स्कोर रेंज इन द स्कोर ऑफ विसिनिटी ऑफ 190 टू 200। अब आ जाते हैं कि कौन है किसके ऊपर मजबूत, यानी कि किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी है। तो साफ तौर पे कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर भारी है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी निर्भर किसके ऊपर है, निकोलस पूरन की। उनकी गेंदबाजी में अनुभव की कमी है, लखनऊ के पिचों पर तो वो कारगर साबित होते थे लेकिन यहां पर कोलकाता के पिचों पर जहां पर बहुत सारे रन बनने वाले हैं, देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रेशर की सिचुएशन में यश ठाकुर, समार जोसेफ खेले तो समार जोसेफ और अरशद खान कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, कैसे गेंदबाजी करते हैं। तो ये जो कमियां लखनऊ सुपर जायंट्स की इनके लिए घातक साबित हो सकती है केकेआर के ईडन गार्डन में। और वहीं कोलकाता की बात करें तो उनके पास नरेन है, उनके पास रसेल है, उनके पास रिंकू है, उनके पास फिलसाल्ट है, उनके पास अंगक्रिस रघुवंशी है, जो कि इस बल्लेबाजों वाले पिच पर खूब सारे रन बटोर सकते हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मुकाबले में कौन जीतता है, लेकिन ऑन द पेपर कोलकाता नाइट राइडर्स काफी भारी है। हाँ, लखनऊ जीती तो उसमें राहुल को बड़ा योगदान देना पड़ेगा, बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी तभी लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला जीतेगी, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ पूरन के बल्ले से रन निकलेगा तो चीजें काफी कठिन, काफी दुश्वार और काफी मुश्किल हो जाएंगी लखनऊ सुपर जायंट्स के। तो ऑन द पेपर भैया केकेआर के जीतने के चांसेस हैं 70% केकेआर, 30% लखनऊ सुपर जायंट्स। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से आज की विजेता टीम कौन होने वाली है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।